this one. Can I steal this guy? I have to get it. Can I want it? Food, yeah. How are you? Yeah, I know. Thank you. सबका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और आई थिंक मणिकर्णिका एक फिल्म ही ऐसी है जहाँ पे सबको देखना ही चाहिए और सबको अच्छी लगनी चाहिए. सो आई थिंक ये अच्छी बात है कि लोग जा रहे हैं और इस फिल्म को अप्रिशिएट कर रहे हैं. जी आई थिंक डब्बू का काम ऐसा ही है जो सभी सारी चीज़ें अच्छी होगी. सो आई एम श्योर ये सारे बहुत अच्छे हैं बट इफ़ आई हैव टू गो चूज वन I think I like the Akshay Kumar one. I really like it. आपने एक पूछा था अभी उन पूरे पिक्चर्स में मुझे एक अच्छा लगा. अच्छा ऐसा है क्या? I like Aishwarya one. आई थिंक मैं हमेशा से देखती आई हूँ ट्विटर पे इंस्टाग्राम पे कि सब लोग आते थे एंड दिस इज़ माई फर्स्ट टाइम दैट आई एम कमिंग हियर. सो आई रियली फील गुड आई रियली फील प्राउड टू बी हियर दैट्स इट. अब आप दुआ कीजिए ऐसा कुछ हो जाए मेरे लिए. बिल्कुल आई विश कि ऐसा ही हो. अब देखते हैं कब होता है. थैंक यू. See, I don't know about this thing basically. I can't say anything क्योंकि मेरे सीन्स कंगना ने ही बढ़ाए थे और मैंने कुछ रीशूट नहीं किया है. मेरे जितना भी काम हुआ है कंगना ने बढ़ा कर मेरे लिए किया था. सो आई हैव नो कॉमेंट ऑन इट एंड आई थिंक कंगना हैज़ डन जस्टिस टू मी. थैंक यू. बाय मनीष. मैं चली जाऊँगी. नमस्ते कैसे हो? यार फीमेल पिक्चर में अगर कहें मुझे ऐश्वर्या मैम की पिक्चर बहुत अमेजिंग लगी. बहुत क्लासी. अगर मेल में बात करें अक्षय कुमार एंड जॉन एब्राहम की बॉडी तो है जी. मुझे वो कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा लगा. जंप मार रहे हैं बिल्डिंग से माइंड बहुत अच्छे लगे. यार डब्बू का कैलेंडर नंबर वन बड़ा स्पेशल है. इस बार 20 इयर्स कंप्लीट हो रहे हैं. आई थिंक इट्स नॉट अ जोक. इट्स अमेजिंग और सब लोग वेट करते हैं देखते हैं. एक सस्पेंस बना होता है कि डब्बू के कैलेंडर में कौन फीचर करने वाला है. सो हर बार की तरह इस बार भी सस्पेंस था. सो इट्स नाइस टू सी सो मेनी ऑफ द कलीग्स ऑन द कैलेंडर एंड बहुत बहुत अच्छा बनाया. यार अभी तो मेरे इंडियन आइडल ख़त्म किया है और मैं चिल मार रहा हूँ. कुछ मेरी शॉर्ट फिल्म हैं जिन पे काम चल रहा है और जल्द एक और शो के साथ भी वापस होगी. सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट. हाँ यार वो फेब में लॉन्च है. फेब में रिलीज़ कर रहे हैं हम लोग. सो वो फिल्म का नाम है बंजर. इट्स अ शॉर्ट फिल्म एंड तो उसी में सरदार का रोल था तो उसके लिए दाढ़ी वाड़ी हुआ के प्रॉपर ऑथेंटिक. सो देखते हैं लोगों को पसंद आए. थैंक यू सो मच. थैंक्स. हाथ ले लो.
एक्चुअली मैंने देखा ही नहीं अभी तक, आई वाज जस्ट गोइंग टू सी, देख क्या हो गया? यार सारे शॉट्स बहुत अलग अलग है और काफ़ी यूनिक है. मेल्स में से देखो, आई एम बिग फैन ऑफ ऋतिक रोशन का, बड़ा फैन हूँ मैं. आई लव हिज क्लोजअप्स, ग्रेट शॉट. फीमेल्स में श्रद्धा और कृति, क्योंकि मेरे हीरोइंस थे इसलिए आई एम सेइंग दैट, लिटिल बायस्ड. No, you carry on, chill. I think बहुत ही मज़ेदार रहता है ये दिन, खासकर क्योंकि we see so many cool shots. आपके सारे फेवरेट सेलेब्स होते हैं इस कैलेंडर पे, सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग वॉट दे डू. तो या शायद इस साल का थीम ये है कि थोड़ा मतलब सेक्स अपील को लेकर ज़्यादा फोकस कर रहे डब्बू सर, तो आई थिंक मे बी दैट्स व्हाई. टफ किसमें कंपटीशन तो है ही इंडस्ट्री में काफ़ी सारा. आई थिंक एवरीबडी इज सो फिट एंड सो गुड लुकिंग, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, यू नो, टू स्टैंड आउट. स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2 कंप्लीट हो चुकी है सर. अभी फिलहाल मैं ऋतिक वर्सेस टाइगर के लिए शूट कर रहा हूँ. तो यार वो यार एक सपना पूरा हो गया है, और जब भी मैं मॉनिटर को देखता हूँ, जैसे प्लेबैक्स जैसे हम देखते हैं मॉनिटर पे, ऐसा लगता है कि मैं ड्रीम कर रहा हूँ, क्योंकि यू नो इट्स बिन चाइल्डहुड फैंटेसी वर्किंग विथ हिम. और जब भी एक हाई स्पीड शॉट हो या कोई एक्शन कर रहे साथ में, तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे ये मौका मिला उनके साथ काम करने को इतनी जल्दी. डेफिनेटली देर इज़ अ प्रेशर बिकॉज बागी 2, आई डिडंट एक्सपेक्ट इट टू यू नो डू द नंबर्स इट डिड. तो उसको लेकर काफ़ी एक एक्सपेक्टेशन अभी बढ़ चुका है बागी फ्रेंचाइज को लेकर खासकर. एंड नॉट ओनली दैट, आई एम ऑल्सो डूइंग स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2, विच इज़ a very big franchise, Dharma's, you know, baby. So
I'm stepping into three very big stars' shoes, along with my co-stars, the new beautiful girls. So, you know, we have a lot of pressure on us. It's a big film, and we want the franchise to live on, so fingers crossed. Anji? Kiss me, kiss me. For Ritik. Oh, okay. What have I learnt? Kafi cheeze, sir. If I would say one thing, it would just be how to, you know, look at every detail. Kabhi Ritik sir bahut sare bahut kuch sochte hai har shot ko lekar har cheez ko lekar bahut sochte hai, so just understanding his mindset and his thought processing in a scene or in an action sequence. So, yeah. You know, I don't want to reveal any details. That might be a fun fact for you guys too. I don't know. If I say yes, then, you know, I don't reveal anything. But if I say no, I don't want to spoil anybody's expectations. Thank you very much. Thank you. बहुत स्पेशल है डब्बू रत्नान के कैलेंडर पर होना. इट्स एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ एंड दिस इज माय डेब्यू ईयर. या इट्स रियली लव. इट्स माय डेब्यू ईयर, सो आई थिंक इट्स ऑल द मोर स्पेशल बिकॉज द फर्स्ट टाइम आई एम ऑन द कैलेंडर. एंड यू नो विद डब्बू ही इज डन माय फर्स्ट फोटो शूट एवर, माय फर्स्ट पोर्टफोलियो, माय फर्स्ट फिल्म पोस्टर शूट. सो ऑल माय फर्स्ट्स आर विद डब्बू. इट्स बीन अमेजिंग. वेट, या इट्स टू मच. Tiger, 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 t
It's a tie between Farhan and Tiger for me. Yeah, I think I like, actually I like all the pictures to be honest, but it's a tie between Farhan and Tiger. Okay, I again like all of them, but I like all of them, but I think Shraddha's is very different. So I love that. हमेशा अच्छा ही रहता है. मैं आप सब बोर हो गए होंगे क्योंकि हर साल मैं कहती हूँ कि मज़ा आया, पर सच में डब्बू के साथ मज़ा आया. और वी आर डूइंग इट फास्टर एंड फास्टर एंड फास्टर ईच टाइम. आई थिंक इट्स जस्ट द इजीएस्ट शूट ऑफ द ईयर ऑलवेज. कुछ नया मैंने ट्राई किया, थोड़ा सा एक सिवियर लुक देने का. और टाइम तो लगा, आई थिंक 2-2.5 घंटे लगे शायद. हाँ, 2-2.5 घंटे लगे. सो यू नो, मोर पावर टू माय हेयर स्टाइलिस्ट शलाका भोसले. आई जस्ट थिंक इट्स, आई रियली डोंट थिंक इट्स लाइक द डर्टी पिक्चर. आई थिंक इट्स अ बिट सिवियर, नॉट सिवियर, आई थिंक इट्स अ बिट शार्प, समथिंग आई हैवंट डन बिफोर. सो आई एम एक्साइटेड अबाउट इट. So let's hope 2019 is a really sharp year for all of us. In the, there's a Mission Mangal releasing on the 15th of August and some other announcements which I will make very soon. I'm also making my Tamil film debut. Yeah, but it's a special appearance in Boni Kapoor's Tamil film starring Ajit. Yeah, thank you. जी डब्बू, हम हमेशा बहुत बहुत एक्साइटेड रहती हूँ. हर साल मैं यहाँ होती नहीं हूँ. हाय,
सॉरी व्हाट वाज आई सेइंग मैं भूल गई. हाँ हमेशा इंतज़ार रहता है पर हर बार मैं बॉम्बे में नहीं रहती. आई एम ग्लैड आई एम हियर दिस ईयर. मैं बस ये दिखा दूंगी. उनको पूछना पड़ेगा. हाँ हमेशा की तरह इट्स ऑलवेज बीन फन. सबसे मुझे सोनाक्षी की पिक्चर आई लाइक सोनाक्षी पिक्चर
And in the male pictures, actually, no, no, she is very much. It's very good. Yeah. हाँ मैं मेरी एक हमेशा एक फैंटेसी थी कि मैं फिल्मों में आई डांस अराउंड ट्रीज, ऐसा कभी हुआ नहीं तो फोटोशूट में सोचा कि कुछ कर ही लेता हूँ पेड़ के साथ, फिल्मों में वो ऐसा करना पड़ता है. आई सी, हाउ स्वीट, थैंक यू विद्या, थैंक यू. हाउ वुड आई नो यार, यू हैव टू आस्क हर, ये क्या बात है. ये तो आपको विद्या को ही पूछना पड़ेगा. नहीं नहीं भाई ऐसा नहीं होता. चलिए और कुछ सवाल नहीं है, सोच रहे हैं आप बहुत अभी. चलिए थैंक यू, थैंक यू. Thank you.
राधे राधे. Do you think it's a? It's a very good start, and I'm really happy and excited to be a part of Dabbu Ratnani's calendar. This is my debut shot, and whenever you come to Mumbai, whenever you enter Bollywood, Hindi cinema, you always feel like there's a list, and you know, Dabbu Ratnani's calendar shot is one of the major things in that list, and it's a checklist for me, and I'm really happy that I'm a part of it, and it's a very good start for me. The list is amazing. Ji. Sir, I feel really proud. I'm really happy, and I mean, it's this calendar comprises of all the wonderful people from our fraternity, and the biggest of names are there in the calendar, and I'm so blessed that I'm a part of it. Finally, it's taken long, but finally I have debuted in his calendar, and I'm so happy with the shot that he's taken. It's amazing. Yeah, I got really happy. I mean, it was a great. It's a great opportunity for an actor to be a part of something like this. Dabbu Ratnani's calendar is something which also brings the whole industry also closer. You know, I mean, so many actors, so many performers in one calendar is a big thing, and it's one of its kind. So being a part of it was again excitement, was like an exciting thing for me, and I got really excited when he asked for the shot. Huh? Photo. मेरी अक्षय कुमार सर की है. फीमेल में आई थिंक जानवी की फोटो. थैंक यू सो मच. व्यूअरशिप फिनोमिनल व्यूअरशिप हुई है लुका छुपी के ट्रेलर की, और बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक कर रहे हैं उसका ट्रेलर. आई होप फिल्म जब आए तो वो भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स ब्रेक करे, ऐसे ही जैसे ट्रेलर ने ब्रेक किए. एंड थैंकफुली आपका भी रिस्पॉन्स, जब हम लोग ने ट्रेलर लॉन्च किया था, मीडिया का, ऑडियंस का, सबका बहुत बड़ा रिएक्शन आया था. इट्स अ फन फिल्म, कॉमेडी फिल्म है, ट्रेलर अच्छा रिस्पॉन्स दिया है, आई एम श्योर फिल्म भी अच्छी लगेगी. कल गाना लॉन्च हो रहा है, पोस्टर छपा दो बाजार में, अक्षय सर का गाना है, एंड उसको इस फिल्म में लिया गया है. तो बहुत बड़ा फैन रहा हूँ मैं अक्षय सर का, और कल उनके गाना लॉन्च हो रहा है. आज रैपअप पार्टी भी है, इसके बाद मैं लुका छुपी करके वहाँ पे रैपअप पार्टी में जाऊँगा, एंड आई विल बी विद डीनो एंड कृति एंड द होल टीम ऑफ लुका छुपी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. सेंटर में आ जाओ.
का फोकस हो तुम लोग ट्रेडिशन है जो हमेशा होता है हर साल ये साल ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि 20th एनिवर्सरी है इट्स रियली नाइस टू बी हियर एंड ऑलवेज सपोर्ट देम दे हैव ऑलवेज बीन देयर फॉर अस सो आई एम जस्ट हैप्पी फॉर देम सॉरी मैं एक्साइटेड हूँ आई एम ऑलवेज एक्साइटेड टू सी द लवली पिक्चर्स द डबल क्लिक्स and to see what's going to be, you know, this year, you know, in the calendar. Of the guys, I have to say, I really like John. I think it's very cool. Ha, acha laga mujhe.
Thank you. Thank you. Princess? You like candy floss. Did you get revealed by the camera? Not me, sir. If you got acting, I'll just stop getting or something. Hey. Wait, just finish. Whoa. Hiten, what have you done? Okay, so my favorite photo female is सोनाक्षी, क्योंकि उसने जो इतना कूल चश्मा पहना है ना, शी लुक्स ऑसम, और मैं खुद एक चश्मों का दीवाना हूँ. एंड लड़कों में बच्चन साहब, बिकॉज उनके जैसा हैंडसम, maybe he is an amazing human being and he is a fantastic, wo all rounder stylish aadmi hai, abhineta hai, and he is my favorite. Ye 10th saal hai, ha hamare bacche 10 saal ke ho gaye. Seriously, but I must tell you one thing, that Dabu ko hum bahut pehle se jante hain. Mera pehla photo shoot Dabu ne kiya tha. Oh god, that was crazy. I think almost 18 saal pehle hum bacche the tab. Agar ye bacche the to hum bachcho ke bacche the. So Dabu, I know. So it's been a great experience with Dabu, seriously. Yeah. Wish him all the best. Lots of love. So
5 a.m. in the morning, so nothing like it. मैं सच बताऊँ तो मैं बच्चों के पूल में हो गई क्योंकि लेवल वाटर का कम होता है तो मैं बैठ पा रही थी वहाँ पर तो मैं एक्चुअली किड्स पूल में हूँ यहाँ पर एंड उसके बारे में क्या बताऊँ मैं चिल कर रही हूँ आपकी फिल्म की झलक होती है तो अगर लुका छुपी की झलक लोगों को पसंद आई है एंड एक्चुअली द रिस्पॉन्सिबल हैज बीन फैबुलस इट्स टच ऑलमोस्ट 50 मिलियन व्यूज ओवरऑल एंड दैट्स आई थिंक मैसिव इट्स मोर देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड एंड इट्स फास्टर देन व्हाट आई हैड एक्सपेक्टेड सो या पीपल आर लविंग इट एंड आई एम रियली ग्लैड बिकॉज दैट्स एक्जैक्टली व्हाट द फिल्म इज एंड आई एम रियली होपिंग दे लव द फिल्म ऑल्सो एज मच We wrapped up a few days back, but that time we could not do a party, and it's almost like a celebration for the entire crew. सबने बहुत मेहनत करी है और अब जब trailer भी बाहर आ चुका है, everybody is like really happy with the response. It's something that we just want to celebrate together. ये बस celebration है. Rap party नहीं करी है तो ये late rap party है. But yeah, it's just all of us together to have fun. That's all. I'm both. Yeah, I think you're always nervous, and I'm also excited because you know the audience is connecting with the concept. They're liking the whole concept. So yeah, I'm also very excited. I want to see how they actually react to the film. Like this is a film. जिसमें मैं गेटी जाके देखना चाहूँगी कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं अभी वीडियो वैक्सीन मतलब फोटो अच्छी लगी Thank you.
एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा हमारा देखा आई थिंक दिस इज फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू डब्बू सर एंड मनीषा मैम दिस इज द 20th कैलेंडर दे हैव गॉट 20 इयर्स एंड इट्स क्रेजी स्टिल आप देख सकते हैं कितना फ्रेश है कितना नया है बट 20th एडिशन एंड इट्स नॉट सो इजी एंड इट्स अमेजिंग आफ्टर आई वर्क विद हिम लास्ट मंथ तो मुझे पता है कि वो कितना हार्ड वर्क डालते हैं एंड यू नो इट्स जस्ट वेरी गुड जॉब I think all the stars out there, who all are there in the pictures, they must have perhaps got millions of pictures clicked. But this is the USP of Dabbu's, perhaps Dabbu's work, that when he clicks a picture, he makes it look so fresh and so new that you feel that you've never seen a picture like this before. So I love Anushka's picture. I love the way that picture has been taken. And yeah, it's pretty exciting to be here. Mine, Anushka's. Yeah. Wait. Alia and Anushka. Kartik is looking cute, yeah. And Ritik is looking hot. I think for males also, I would be saying that Ritik sir is looking very nice, amazing, as always. And yes, Karthik has done a great job with he's looking amazing and very fresh again. And Tiger's body is looking out of the world. So, yes. What do we do? What? That's Karan over there. I think we're done. Okay? Yeah. Done. Just, we're coming. We're coming. Right, thank you so much. Thank you. Thank you.
अच्छा एक्सपीरियंस है. मैंने सारे कैलेंडर पिक्चर्स देख लिए एंड आई लव द शॉट्स. डब्बू है यार, ही इज लाइक अ वेटरन नाउ इन फोटोग्राफी, तो देयर इज नो डाउट. I think I like Alia. Yeah. And I like Kartik Aaryan. बहुत मज़ा आता है, बहुत इनोवेटिव होता है उनका हमेशा कॉन्सेप्ट, अलग अलग होता है हमेशा. तो एवरीबडी स्टिल यू नो लुक्स फॉरवर्ड टू सीइंग द कैलेंडर शूट, कितना इनोवेटिवली करते हैं एवरी ईयर. बहुत कुछ देखेंगे आप. गुड वेब सीरीज आर कमिंग, गुड फिल्म्स आर कमिंग, सो लेट्स सी. आई मीन डिसाइड करना बाकी है कि विच वन टू टेक, बट इट्स ऑल गुड फॉर 2019. मैं जल्द बताऊंगा, जल्द आपको पता चलेगा. मैंने या आई थॉट नाइट है तो सिल्वर एंड ब्लैक इज द कॉम्बिनेशन, तो आई एम जस्ट वेयरिंग सिल्वर एंड ब्लैक. थैंक यू. कौन कहाँ हिंदी इंग्लिश. ये यू नो ये वो एनुअल इवेंट है जिससे ऐसे लगता है कि साल की शुरुआत हुई है. इस बार ये लोग थोड़ा लेट हुए और मुझे लगा साल शुरू हुआ कि नहीं हुआ, बट यू नो इट्स फाइन दैट इट्स फाइनली स्टार्टेड. एंड लाइक आई सेड इट्स अ ग्रेट प्लेस टू मीट एवरीबडी. गुड फन. मैं थोड़ा बायस्ड हूँ ब्लैक एंड वाइट शॉट्स से, वो मुझे थोड़े कूलर लगते हैं, थोड़े आर्टिस्टिक लगते हैं. ब्लैक एंड वाइट शॉट्स आर ऑलवेज नाइस. फॉर द वुमेन ऊ सो टफ. आई लाइक आलियाज, इट्स अ सिंपल प्रिटी पोर्ट्रेट पिक्चर बट इट्स रियली नाइस. अभी दो शोज कर रहा हूँ, उसमें से एक की शूटिंग खत्म हो गई, दूसरे का डबिंग चल रहा है. वन इज़ कॉल्ड मैरी मी स्ट्रेंजर एंड द अदर वन इज़ कॉल्ड लव लस्ट एंड कन्फ्यूजन सीजन टू. दोनों बहुत जल्द आ जाएंगे. लव लस्ट एंड कन्फ्यूजन मार्च 1st को रिलीज हो रहा है ऑन व्यू, सो डाउनलोड द ऐप इफ यू डोंट हैव इट नाउ. सीजन 1 वॉज अ ग्रेट हिट ऑन द ऐप एंड सीजन 2 इज बिगर बेटर नाइस. नहीं, मेरे ब्यूटीफुल अटायर का कुछ नहीं है. मतलब कोई रिकॉर्ड भी कर रहा है क्या? अच्छा, आई नो. हाँ, ब्यूटीफुल अटायर के बारे में कुछ नहीं है. मैं ऐसे अलमारी खोलता हूँ और देखता हूँ, अरे ये बहुत दिनों का ये पहना नहीं, और मैं पहन लेता हूँ. दैट्स इट. Shah Rukh Khan. Yes, all time favorite. They all are stunning man. Everybody from Aishwarya to Sunny. Yeah, everyone.
like Varun. Yeah. And Shah. Because मैंने सनी या बिकॉज मैंने सनी के साथ काम किया है तो हमेशा मेरी प्रेफरेंस सनी रही सनी बहुत आराम रिसेंटली मानवर के लिए शूट किया था तो जम्मू ने हमारा शूट किया था तो ही इज ऑसम लाइक उससे ऊपर मुझे लगता नहीं कि कोई और शूट करता है एंड योर जर्नी इज इनकम्प्लीट इन मुंबई अगर आपने डब्बू से शूट नहीं कराया एंड या आई डिड माय फर्स्ट शूट इन मुंबई विद डब्बू एंड देन आई डिडंट लुक बैक आफ्टर दैट इट्स ऑलवेज ए मनीषा एंड डब्बू दे बोथ आर सो स्वीट हार्ट एंड यू नो इट्स अमेजिंग टू बी विद देम यू नो वी हैड सो मच फन दे आर सुपर क्यूट लाइक दे आर सो डाउन टू अर्थ एंड जब उनसे पहली बार मिलो तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बार मिल चुके हैं ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं और कुछ ऐसा हमारा तो सब कुछ लास्ट मोमेंट में ही होता है और एक्चुअली मेरा शूट था मैं जाने वाला था तो मैंने बहुत बोल बोल के मैंने कल का पोस्टपोन कराया सिर्फ डब्बू के लिए कि हमने डब्बू के यहाँ आना था तो लास्ट में मैं अपना कबूर चेक कर रहा था कि मेरे पास क्या पड़ा है अच्छा मैं क्या डालू जो मैंने अभी तक डाला नहीं है सो दिस अ लुक जो मैंने खुद ही एक बनाया ऑब्वियसली मेरी स्टाइलिश यही है और मेरे गानों की भी शूट यही करती है आई थिंक इसके ऊपर सब अच्छा लगता है बहुत बार हमेशा 90% मैं ही करता था कभी नहीं अच्छा लगा कभी नहीं अच्छा लग रहा कुछ और ट्राई करो सो या हम कर रहे यस अभी हमारा 2019 में गाना आया था मेरे रोडी स्टार्ट हो रहा है मेरा नेक्स्ट मंथ से और उसके बाद मेरे 3-4 गाने रिलीजिंग पे हैं वो हो रहे हैं देन मैं पंजाबी मूवी कर रहा हूँ बहुत जल्दी वो मेरी उस पर स्टार्ट हो रही है सो मेरे काफ़ी प्रोजेक्ट्स हैं मेरी 3 फिल्में हैं एक अभी है वन बायोपिक जो अभी जल्दी रिलीज होने वाली है या वन बायोपिक एंड आफ्टर दैट आई हैव टू मोर फिल्म वन इज फुल ऑन कॉमेडी वन विद महेश मांजरेकर सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस ईयर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड या वेरी हैप्पी अभी वी आर वर्किंग लाइक अभी हमने अभी हम थोड़ा काम कर रहे हैं थोड़ा और पैसा कमा रहे हैं ताकि हमारे आने वाली जनरेशन आराम से बैठे खाए चिल करे यस प्लान करेंगे अपनी लाइफ में अभी तो हम घूम रहे हैं यार अभी तो हमने अपनी जर्नी बहुत ज़्यादा मस्ती करनी है थैंक यू सो मच थैंक यू Shirt and I just put a jacket on top of my bra so there you go yeah nice
Thank you guys. Thank you so much. What is the Twitter mirror that was told me that I have to class? Oh, that's a Twitter mirror. I'm a Hrithik Roshan fan, so Hrithik Roshan. Okay, then Ash. किस्मत अलग थी तब डब्बू नए नए आया था फर्स्ट टाइम से डब्बू ऐसे आए थे हमारे पास में तब से बहुत स्वीट आदमी हैं बहुत अच्छे ये इनकी वाइफ मनीषा हमारे बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स भी हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम के साथ साथ में अपने बिहेवियर की वजह से भी आगे बढ़ते हैं तो ये वो लोग हैं जिनका जिनकी गुडविल जिनका बिहेवियर जिनकी सिंपलिसिटी मैं इनके साथ भी आई वाज डूइंग अ फोटो शूट विद हिम पूरा टाइम मनीषा वॉज ऑन द क्या बोलते उसको लाइव हाँ तो मेरा पूरा सेशन उसने लाइव कर दिया सर इट बिकेम वेरी पॉपुलर तो हमारी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है एंड आई ऑलवेज विश द बेस्ट फॉर द रत्नाकर